बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, सवेरे उठना सवालात। कल हमने सवाल नंबर 1 और 2 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। आप लोग सफा नंबर 60 निकाल के देखिए। नज़म में कितने अशआर हैं? मैं आपको बताती चलूं कि नज़म की हर सतर मिसरा कहलाती है और 2 सतरें मिलकर शेर बनाती हैं। शेर के पहले मिसरे को मिसराए उला कहते हैं और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। अब देखिए कि नज़म में कितने अशआर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नज़म में 8 अशआर हैं। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4। देखिए सफा नंबर 61। नज़म के कितने अशआर में लफ्ज़ है आया है? देखिए नज़म सफा नंबर 56 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नज़म के 6 अशआर में लफ्ज़ है आया है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम सफ़ा नंबर 58 से पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 2 पे है कि कुछ जुमले दिए गए हैं जिनके नीचे लकीर लगाई गई है, तो आपने क्या करना है कि आपने इन जुमलों के सही अल्फाज पे दायरा लगाना है। देखिए नंबर 1, परिंदे ताने उड़ाते हैं। अलिफ ऊंचा उड़ना, बे तिनके उड़ाना, जीम सुरीले गीत गाना। नंबर 2, अच्छा लड़का सवेरे उठता है। अलिफ सुबह सुबह, बे आधी रात, जीम दोपहर। आपने क्या करना है कि सुबह सुबह को दायरा लगा देना है सुबह। नंबर 3 पे है, गास मखमल का फर्श मालूम होता था। अलिफ कॉटन, बे रुई, जीम बहुत नरम कपड़ा। आपने जीम पे दायरा लगा देना है। नंबर 4, परिंदे खुदा का दम बढ़ते हैं। अलिफ गाना गाना, बे तारीफ करना, जीम लम्हा। आपने बे पे दायरा लगा देना है। देखिए इस पे पहले नंबर पे भी दायरा लगा दें। इसके अलिफ ऊंचा उड़ना, बे तिनके उड़ाना, जीम सुरीले गीत गाना, तो इस पे आप दायरा लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छी तरह से अपना सबक तैयार करना है और अपना ख्याल रखना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।